IQ Z सीरीज में इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है अपना एक और नया स्मार्टफोन IQ Z9X 5G जो कि हमें जल्द ही इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IQ Z9X 5G के सारे कंफर्म स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स, और जानेंगे कि ये फोन हमें इंडिया में कितने प्राइस पर देखने को मिलेगा और ये इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड OS अपडेट के बारे में। तो इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा एंड्रॉइड 14 जो कि बेस्ड रहेगा फन टच OS 14 के ऊपर, जिसमें हमें ब्लॉटवेयर्स एंड थर्ड पार्टी एप्स देखने को मिलते हैं बट उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और इस फोन में हमें मिलेगा 2 इयर्स का एंड्रॉइड OS अपडेट और 3 इयर्स का सिक्योरिटी पैच अपडेट। और अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो इस फोन का बिल्ड हमें डिसेंट ही देखने को मिलने वाला है क्योंकि इस फोन के बैक में प्लास्टिक का यूज किया गया है और इस फोन का फ्रेम प्लास्टिक का ही मिलेगा। और इस फोन के अगर हम डिजाइन के बारे में बात करें तो इस फोन का डिजाइन IQ Z9 के ही तरह बॉक्सी टाइप का डिजाइन मिलने वाला है। और इस फोन के डिस्प्ले में हमें सेंटर पंच होल कैमरा कटआउट भी दिया गया है जिसमें हमें बेजल्स एंड चिंस भी एवरेज साइज के देखने को मिल जाते हैं। और इस फोन के बैक में हमें डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है जहां हमें डिजाइन में थोड़ा सा IQ Z9 से चेंज किया गया है इसके कैमरा मॉड्यूल में। इस फोन में हमें दिया गया है 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले जिसका पीक ब्राइटनेस रहेगा 1000 nits। और सबसे बढ़िया बात इसका यह है कि इसमें हमें मिलेगा 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट जिसका पिक्सल डेंसिटी रहेगा 393 ppi। तो ये फोन अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा फीचर्स दे रहा है और ये फोन फुल्ली लोडेड फोन होने वाला है। और बात करें इस फोन के कैमरा के बारे में तो इस फोन के बैक में हमें डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है जिसका प्राइमरी कैमरा सेंसर है 50 megapixel का और एक 2 megapixel का डेप्थ सेंसर। एंड सेल्फी के लिए दिया गया है 8 megapixel का सेल्फी कैमरा। एंड इसके प्राइमरी कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K 30fps तक एंड सेल्फी कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p 30fps तक। तो ओवरऑल कैमरा डिसेंट देखने को मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्टोरेज एंड कलर वेरिएंट्स के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में हमें इंडिया में 3 स्टोरेज टाइप देखने को मिलने वाले हैं, 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज एंड 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज। और ये फोन इंडियन मार्केट में 2 कलर ऑप्शंस के साथ लॉन्च होने वाला है, ग्रीन एंड ब्लैक। और इस फोन के स्टोरेज में हमें दिया गया है LPDDR4X रैम और UFS 2.2 रोम टाइप जहां हमें हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप इस स्मार्टफोन में एक माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अगर हम स्पीकर्स एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इस फोन में हमें मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर। तो इस फोन का काफी बढ़िया बात है कि इसमें हमें साउंड क्वालिटी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इसमें का डिस्प्ले बढ़िया देखने को मिलता है, 6.72 इंचेस का फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है, 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, पीक ब्राइटनेस बढ़िया है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी ओवरऑल बढ़िया ही देखने को मिल जाएगा। एंड सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें दिया गया है साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, पिन पैटर्न, ये सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं। एंड दोस्तों, इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो जो कि इस फोन का सबसे हाइलाइटेड फीचर है क्योंकि इस फोन में दिया गया है Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर जो कि बेस्ड है 4nm टेक्नोलॉजी पर जिसका अंतुतु स्कोर है 560,000 के आसपास। ये प्रोसेसर तो पावरफुल है ही, साथ में इसमें आपको एनर्जी एफिशिएंट देखने को मिलता है, हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा एंड थर्मल मैनेजमेंट इस फोन का बढ़िया रहेगा। तो ये प्रोसेसर आपको अच्छा खासा गेमिंग करा के दे देगा एंड मल्टीटास्किंग आप इजीली कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। तो अगेन, इस फोन का ये सबसे ज्यादा हाइलाइटिंग फीचर है क्योंकि इस फोन में दिया गया है 6000 mAh का बैटरी With 44 वाट फास्ट चार्जर। एंड बढ़िया बात यह है कि आपको इस फोन में चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो इस फोन में प्रोसेसर 4nm टेक्नोलॉजी का दिया गया है एंड बैटरी भी 6000 mAh का मिल जाता है, तो आपको बैटरी बैकअप इजीली 1.5 से 2 दिन का तो आराम से मिल जाएगा। और अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के अदर फीचर्स एंड सेंसर्स के बारे में। तो इस फोन में 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, NFC नहीं दिया गया है, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट रहेगा, वाईफाई 5 दिया गया है। एंड इस फोन में सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, गायरोस्कोप, छोटे बड़े सारे सेंसर दे दिए गए हैं। एंड दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल बात करते हैं इस स्मार्टफोन के इंडियन लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में। तो ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 16 मई 2024 को Amazon पर। और इसके अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो इसके बेस वेरिएंट 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज का प्राइस रहेगा 13,500 एंड ये ऑफर वगैरह लगा के आपको मिलेगा 12,500 रुपीज का। और इसका टॉप वेरिएंट यानी 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के प्राइस के बारे में बात करें तो वो लॉन्च होगा 15,999 का और आपको
ऑफर्स में मिलेगा 14999 में। यही था इस स्मार्टफोन का सारा स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स, और आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको इस स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशन कैसे लगे, कि आप इस स्मार्टफोन को इस प्राइस सेगमेंट पे बाय करना पसंद करेंगे या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर से बता के जाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में।